हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मुस्कुराते हुए और हाथ मिलाते हुए कब कब नजर आए हैं। आपका जवाब होगा कि शायद ऐसा हुआ ही नहीं, लेकिन यकीन करें ऐसा पहली बार हुआ है कई सालों में। इन तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र हुड्डा हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, मुस्कुराकर बातें कर रहे हैं और उनके साथ नजर आ रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी। आज देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती है और संसद भवन परिसर में बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम किया गया था, तो इसी दौरान देश के तमाम बड़े नेता यहां मौजूद रहे। संसद परिसर में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। हालांकि विपक्षी नेताओं की सत्तारूढ़ दल के नेताओं के साथ हाथ मिलाते हुए एक साथ मुस्कुराते हुए काफी कम तस्वीरें देखने को मिलती है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर हर दल जुट चुका है। जहां साल 2023 की शुरुआत में अमित शाह के गोहाना में रैली आयोजित की गई थी, लेकिन अमित शाह यहां पर नहीं आए थे और रैली बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी और जाटलैंड में बीजेपी के खिलाफ संदेश गया था, तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा से कांग्रेस में जान फूंकने की तमाम कोशिशें की गई थी। अब तमाम दल अपनी अपनी जीत के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही है। आपका इन तस्वीरों के मार्फत क्या सोचना है, राय जरूर रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।